डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, आज हम लोग क्लास सिक्स का एनसीईआरटी का ये मैथ है, इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 है, इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से यहाँ 11 तक दिया हुआ है। से एस योर नो, मतलब यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें, तो इस नंबर को यहाँ पे 2, 3, 4 इस तरह से इतने सारे नंबर से डिविजिबिलिटी टेस्ट को बतलाना है। जैसे कि यहाँ पे 128 को दिखाया गया है, एक ठो बनाकर यहाँ पे दिखाया गया है। S9 इस तरह से, मतलब ये नंबर किस किस से डिविजिबल हो रहा है, उस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से बनाइए। यहाँ पर इस तरह से बनाने से क्या होगा, अपसे डाउन इस तरह से बनाने से क्या होगा कि यहाँ पर 2 का जो डिविजिबिलिटी यहाँ पे बतला रहे हैं, तो आपको माइंड डाइवर्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 का जो रूल है उसी को अपनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 0 है, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 रहने पे क्या होता है, 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम y सिर्फ लिख देते हैं, y। उसके बाद यहाँ पे 6 है, इवन नंबर है, इसका मतलब है ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब y हो गया। और यहाँ पे 5, तो 5 है तो ऑड नंबर है, इसका मतलब 9, तो n लिख देते हैं। फिर यहाँ 6 है, इसका मतलब y हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, फिर y हो जाएगा। 4 है, फिर y हो जाएगा। और 6 ये हो गया, फिर यहाँ y, और ये 9, इसका मतलब n हो गया। इस तरह से ये 2 का डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो गया। अब 3 का, तो 3 में क्या करना पड़ता है, हम लोग को ऐड करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो 9, 9, 18 हो गया, और 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे y होगा। और यहाँ पे 5, 1, 6 और 6, 12 हो गया, 12 और 6, 18, 19, 20 हो गया, और 20 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 9 एन हो गया। यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, 7, 5, 12 हो गया, 13, 14 3 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे एन हो गया। फिर यहाँ पे 6, 6, 6 18 हो गया। 4, 6 लेते हैं, तो 6, 4, 24 और 2 25, 26 हो रहा है, 26 3 के टेबल में नहीं आता, तो एन हो गया। यहाँ पे इसको ऐड करने से यहाँ पे 6, 3, 9 हो गया, और ये 9, 18 हो गया, 9, 9, 18 18 और 2 20 और 1 21 हो गया, तो 21 3 का टेबल में आता, तो ये एस हो गया। यहाँ पे 5 हो गया, 4, 1, 5 और 7 12 हो गया, 12 और इधर 6 हो गया, तो 12 और 6 18 हो गया, 18 और 2 18 2 20 हो गया, 20 और 7 27 तो 27 3 का टेबल में आता, इसका मतलब यहाँ पे वाई हो जाएगा। और ये इसको ऐड करते हैं, 5, 6 11 हो गया, 11 और 8 तो 11 और 8 19 हो गया, 19 और 2 21 तो 3 का टेबल में 21 आता है, इसको एस कर देते हैं। और 6, 3, 9 तो 9 तो 3 का टेबल में आता ही है, फिर वाई हो गया। और यहाँ पे 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 6 26 हो गया, 26 और 4 30 हो गया, तो 3 का टेबल में 30 आता ही है, ये हो गया कंप्लीट। अब 4 का डिविजिबिलिटी यहाँ पे लेते हैं, तो 4 का नियम क्या होता है, या तो यहाँ पे वंस और टेंस प्लेस पे 0 रहेगा, या फिर लास्ट जो 2 डिजिट यहाँ पे आता है वो जो है कटेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 4 तो 4, 2 जो 8 हो गया, 8 निकल गया इसमें से, तो यहाँ पे 1 बच गया, तो 1, 10, 10 हुआ, तो 10 4 का टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कटेगा, n हो गया। फिर 86 तो 4, 2 जो 8 हो गया, और ये 6 बच गया, तो 4, 1 जो 4, 2 बच जा रहा है, तो यहाँ पर यह कटने वाला नहीं 4 से, तो ये n हो गया। फिर यहाँ पे 75 तो यहाँ 4, 1 जो 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 निकल गया, 3 बच गया, और ये 5, 35 हो गया, 35 4 का टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे n, ये हो गया। उसके बाद 86 तो 86 यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे n आया, तो 86 यहाँ है, तो यहाँ भी n, मतलब नहीं कटने वाला है। और यहाँ पे 10 तो 4 का टेबल में आता नहीं है, इसीलिए n। उसके बाद यहाँ 14 तो 4 का टेबल में 14 भी नहीं आता है, यहाँ पे n हो गया। और ये 56 ये 56 हो गया, तो 56 में यहाँ पे 4, 1 जो 4 तो यहाँ पे 1 इसमें बच गया, और यहाँ पे 6 तो 16 हो गया, तो 4, 2 जो 16 मतलब ये कटेगा, ये वाई हो गया। और यहाँ पे 60 तो यहाँ पे 4, 1 जो 4 तो यहाँ 2 बच गया, 2, 0, 20 हो गया, इसका मतलब 4, 5 जो 20 तो ये कट रहा है, एस हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ये 39 है, तो 4 का टेबल में 39 नहीं आता, 36 आता है, उसके बाद 40, 39 नहीं आएगा, तो ये एन हो गया। उसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी, तो 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, या तो वंस प्लेस पे 5 रहे या 0 रहे, तो यहाँ पे तो 0 है, इसका मतलब है कि यस होगा। यहाँ 6 है, 9, 5 है, तो यस,
उसके बाद फिर 6 9, उसके बाद 0 एस 4 9, 6 9, 0 एस और 9 9, ये हो गया कंप्लीट। 6 का डिविजिबिलिटी जो 2 और 3 दोनों से कटता है, तो यहाँ दोनों प्लेस पे अगर एस एस देखते हैं तो यहाँ भी एस होगा, तो यहाँ एस एस है तो यहाँ भी एस, एस नो मतलब नो, फिर नो तो इसमें भी नो, एस नो तो यहाँ भी नो, एस एस मतलब एस, फिर एस एस ये हो गया, और यहाँ भी एस एस तो ये भी हो गया, यहाँ एस एस, यहाँ एस और यहाँ नो एस, तो नो, ये हो गया 8। 8 का डिविजिबिलिटी होता है ये जो है 3 डिजिट यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, या फिर 3 0 लास्ट में रहे तो फिर पता चलेगा कि वो 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 8 1 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 निकल गया, 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 9 19, तो 8 2 16 हो गया, 16 उसमें से निकल गया, तो यहाँ पे बच गया 3, तो 3 0 30, तो 30 आने वाला नहीं है, 8 का टेबल में नहीं आता है, तो ये हो गया नो। उसके बाद 86, तो 8 1 8 यहाँ से लेना होगा, तो 5 58 हो रहा है, तो 8 का टेबल में 8 7 56 आता है, 56 अगर इसमें से निकाल लेते हैं तो 2 बच गया, तो 26 हो गया, तो 26 8 का टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये नो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 275 है, तो यहाँ पे 8 का टेबल में कितना आता है, 24 आता है, तो 24 तो इसमें से 24 निकल गया, तो यहाँ पे बच गया 3, 35, तो 35 8 का टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे एन। फिर यहाँ पे 686 को देखना पड़ेगा, तो 8 8 64 आता है, तो 64 में 68 में से 64 निकल गया, तो यहाँ बच गया 4, 46, तो 46 तो नहीं आता है 8 का टेबल में, 48 आता है, तो यहाँ पे भी नहीं कटेगा, तो ये एन हो गया। और यहाँ पे 210, तो 8 का टेबल में 16 लेते हैं इसमें से, 16 माइनस कर देते हैं, तो बच गया 5, तो 50 50, तो 50 तो 8 का टेबल में नहीं आता, यहाँ पे एन हो गया। फिर यहाँ पे 714 71, तो 8 का टेबल में कितना आ जाएगा, 72 आता है, 8 9 जा, तो इससे आगे जाना है उससे पीछे, तो 8 8 जा 64 हो गया, 64 इसमें से निकाल लिया, तो बच गया 6 और 1 7 74, तो 72 आता है, 74 नहीं आता है, इसमें भी 9 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 856, तो 8 1 जा 8, और फिर 5 6 56, मतलब एक बीच में 0 आएगा, उसके बाद जो है तो 8 7 जा 56, ये कट जाएगा, तो ये जो है एस आएगा। और यहाँ पे 60 है, तो ये तो 3 डिजिट पे 0 का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 8, तो 8 7 जा 56 होता है, जिसमें 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे ये भी नहीं कटेगा, एन हो गया। 8 39, 8 1 जा 8 हो गया, फिर 3 आ गया, तो 0 फिर 9, तो 39 आना है नहीं, तो यहाँ पे एन हो गया, मतलब इसका आंसर सिर्फ एक एस है और बाकी सब नो है। अब यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो इसमें भी ऐड करने का है, तो 9 9 18 हो गया, तो 89 का टेबल में आता ही है, तो ये एस हो गया। उसके बाद यहाँ पे 5 6 हो गया, और 8 14 हो गया, 14 और 6 20 हो गया, तो 20 29 का टेबल में नहीं आता, ये हो गया नो। यहाँ पे 7 2 9 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, 14 तो 9 का टेबल में नहीं आता है, एन। और यहाँ पे 6 6 6 4 24, और यहाँ पे 2 24 26, तो 26 9 का टेबल में नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे 6 3 9 9 18 हो गया, 18 19 20 21, तो 9 का टेबल में 21 नहीं आता, तो ये हो गया नो। यहाँ पे 4 2 6 हो गया, 6 और 9 6 9 15 और 7, 15 5 20 हो गया, और 2 22 और 1 23 23, और ये 4 27, तो 27 9 का टेबल में आता है एस। उसके बाद 10 हो गया, और इधर 5 15 हो गया, 15 और ये 6 21, तो 21 नहीं आता है 9 का टेबल में, तो ये नो हो जाएगा। उसके बाद 3 6 9, 9 का टेबल में 9 तो आता ही है, इसीलिए एस हो जाएगा। यहाँ पे 4 6 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 और 3 21 21 और 9 30 30, तो यहाँ पे 9 का टेबल में 30 नहीं आता है, ये एन हो जाएगा, नो हो गया कंप्लीट। अब 10 का जो डिविजिबिलिटी है उसमें क्या होता है, वंस प्लेस पे 0 रहना चाहिए, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, एस।
यहाँ पे जीरो नहीं है तो नो, यहाँ पे जीरो नहीं है तो नो, यहाँ भी नो, यहाँ यस हो जाएगा। वंस प्लेस पे जीरो है, यहाँ नहीं है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो एस हो गया और यहाँ पे नाइन तो नो हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। लास्ट एलेवन डिविजिबिलिटी है तो इसमें इवन ऑड प्लेसेस को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो प्लेस होता है वो ऑड प्लेस होता है, तो यहाँ नाइन आ गया, इन दोनों को जोड़ दिए, इसको और इसको, तो नाइन, और फिर इसको जोड़ेंगे तो नाइन ही होगा, नाइन माइनस नाइन तो जीरो आ जाएगा, जीरो आने पर एस होता है। यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे सिक्स फाइव एलेवन हो गया, एलेवन और ये हो गया यहाँ पे नाइन, तो एलेवन माइनस नाइन तो टू बचेगा, इसका मतलब नो, या तो जीरो आना चाहिए या एलेवन या ट्वेंटी टू, इस तरह से उसके टेबल में जो आता है उसका मल्टीपल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, ये हो गया फाइव टू सेवन और ये माइनस सेवन, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, इसका मतलब एस। अब यहाँ पे सिक्स सिक्स ट्वेल्व हो गया और ये हो गया सिक्स एट फोर्टीन हो गया, तो फोर्टीन माइनस ट्वेल्व फोर्टीन तो टू हो गया, तो टू तो इसमें नो हो जाएगा। अब यहाँ पे इवन ऑड प्लेस, ये हो गया टू और ये हो गया टू थ्री फाइव, फाइव आ गया, एक का फाइव लिख लेते हैं और दूसरे का यहाँ पे वन और ये नाइन, टेन हो गया, टेन और सिक्स सिक्सटीन हो गया, तो सिक्सटीन माइनस फाइव सिक्सटीन माइनस फाइव तो एलेवन हो गया, एलेवन, इसका मतलब है कि ये एस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, फोर सेवन एलेवन एलेवन और टू ट्वेल्व थर्टीन, एक थर्टीन रख लेते हैं और यहाँ पे नाइन वन टेन हो गया, टेन और फोर फोर्टीन, तो ये फोर्टीन हो गया माइनस इक्वल टू वन, वन इसका मतलब है कि ये नो हो जाएगा। यहाँ पे सिक्स एट फोर्टीन हो गया, फोर्टीन और यहाँ पे हो गया फाइव टू सेवन, फोर्टीन माइनस सेवन इक्वल टू सेवन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नो हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो हो गया और सिक्स थ्री नाइन हो गया, नाइन में से जीरो तो नाइन आएगा, इसका मतलब नहीं, ये नो हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, इसमें काफ़ी सारा नंबर है इसलिए इसको लिखना पड़ेगा, नाइन एट सेवनटीन हो गया, सेवनटीन और जीरो सेवनटीन ही रहेगा। यहाँ पे थ्री सिक्स नाइन, नाइन और फोर थर्टीन, थर्टीन तो यहाँ पे थर्टीन माइनस हो गया, तो इसमें से थ्री निकाल दिए, कितना हो जाएगा फोर्टीन, फोर्टीन हो जाएगा इक्वल टू, तो फोर्टीन एलेवन टेबल में आता नहीं है तो ये नो हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय फोर बाय एट। इसमें से जो नंबर दिया हुआ है ये कौन सा नंबर फोर से डिविजिबल है और कौन सा एट से डिविजिबल है या फिर कोई दोनों से डिविजिबल है, इस तरह का। तो यहाँ पे इसको हम एक पेपर लेते हैं, उसके बाद बना लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर टू इसमें से ए है, तो इसमें ए तो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है ये जो है, तो यहाँ पे इसको फोर से देखते हैं, तो ये दो डिजिट जो है डिविजिबल है या नहीं है, तो फोर वन जा फोर यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे बच गया थ्री, तो थर्टी टू इसका मतलब फोर से डिविजिबल है, तो इससे इसमें इक्वल टू फोर से डिविजिबल है तो फोर लिख देते हैं फोर, और एट से डिविजिबल है या नहीं है तो फाइव, यहाँ पे फाइव सेवन, फाइव सेवन जा फिफ्टी सिक्स हो गया, तो बच गया वन, तो ट्वेल्व तो आना है नहीं, इसका मतलब है कि ये सिर्फ फोर से डिविजिबल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बाय फोर। ये हो गया बी नंबर में, इस तरह से ये हो गया सेवन टू सिक्स थ्री फाइव टू, फिफ्टी टू हो गया, यहाँ पे फोर वन जा फोर, फोर निकल गया तो वन बच गया, तो ट्वेल्व हो गया, तो ट्वेल्व फोर का टेबल में आता ही है, तो मतलब ये हो गया बाय फोर, इसको लिख लेते हैं। और एट से डिविजिबल है कि नहीं, तो यहाँ पे थर्टी फाइव थ्री से ही लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा एट फाइव जा फोर्टी नहीं, यहाँ पे एट फोर जा थर्टी टू, तो यहाँ पे थर्टी टू निकल गया, तो यहाँ बच गया थ्री, तो यहाँ पे थर्टी टू, तो थर्टी टू फिर कट जाएगा, मतलब फोर से भी है और एट से भी है। ये हो गया। उसके बाद सी नंबर, सी नंबर में दिया हुआ है डबल फाइव डबल ज़ीरो, ये है, तो डबल ज़ीरो जिसके वंस टेंस प्लेस पे रहे वो फोर से डिविजिबल होता है, ये हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से एट, एट फाइव जा फोर्टी एट, सिक्स जा फोर्टी एट, फोर्टी एट इसमें से निकल गया, तो यहाँ बच गया टू, तो ट्वेंटी, तो
तो 8 का टेबल में 20 नहीं आता, इसका मतलब सिर्फ 4 से ही रहेगा। तो ये इसका ये आंसर हो गया डी 6000। तो 20 जिसका रहेगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, बाई 4 हो गया ये। और जो यहाँ पे लास्ट में जो है 3 डिजिट रहेगा, 3 डिजिट 0 रहेगा, तो वो 8 से हो गया, मतलब ये बाई 8 से भी ये डिविजिबल है। ये हो गया डी। ई नंबर में, ई नंबर में 12159 59, तो यहाँ पे 4 से डिविजिबल है ये। 4 1 4, ये 4 निकल गया तो यहाँ 19 बच गया, 1919, तो 19 तो आने वाला है नहीं, तो ये नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ से लेते हैं 8, तो 8 1 8, तो यहाँ पे 8 निकल गया 15 में से, तो ये 7 बच गया, तो 79 8 का टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब किसी से भी नहीं होगा, ये नन। उसके बाद ई एफ, एफ में से लेते हैं 14560, तो 4 का टेबल में 60 आता ही है, 4 1 4, यहाँ 2 बच गया और ये 0, तो यहाँ पे 20 हो गया, तो 4 5 20, इसका मतलब है कि 4 से ये कट जाएगा, 4 से हो गया। और ये 56, तो 8 7 56 होता है, उस पर 0 लग जाएगा, तो ये 8 से भी कट रहा है, मतलब बाय 8। ये इसका आंसर हो गया। एफ जी, जी नंबर लेते हैं, जी में दिया हुआ है 21084, तो ये 4 से डिविजिबल है, 4 2 8 हो गया, 4 1 4, ये हो गया बाय 4। उसके बाद 8, तो 8 1 8 हो गया, इधर जो है इस 0 का वैल्यू नहीं बनेगा, तो 8 1 8, 4 बच गया, तो ये कटने वाला नहीं है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ 4 से ही आंसर होगा इसका। एच, एच नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे 317 95 072 72, इसका मतलब है कि 8 का टेबल में 8 9 72, 8 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है या नहीं, 4 1 4, यहाँ से निकल गया तो यहाँ बच गया 3, तो 32, तो 4 का टेबल में 32 आता ही है, इसका मतलब 4 से भी ये डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। ये आंसर हो गया एच। आई, आई में 1700, ये 4 से डिविजिबल है क्योंकि 2 0 है यहाँ पे, तो 4 से लिख देते हैं इसको। उसके बाद 8, तो 8 का टेबल में 8 8 64 होता है, 64, तो यहाँ पे कितना बच गया, 6 बच गया, 60, तो 60 नहीं आता है, इसका मतलब 8 से डिविजिबल ये नहीं है, ये सिर्फ 4 से डिविजिबल है। ये लास्ट जो है इसका कितना है 2150, तो यहाँ पे 4 1 4 हो गया, तो ये 4 यहाँ से निकल गया, 1 बचा, तो 4 का टेबल में 10 नहीं आएगा, तो ये 4 से तो डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसको 8 1 8 हो जाएगा, 8 2 16 हो रहा है, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 8 निकल गया, तो ये 7 बचा, तो 70, तो 78 का टेबल में नहीं आता है, मतलब है कि इस दोनों में से किसी से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम लिख देते हैं नन, कोई भी डिविजिबल इसका नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी बतलाने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे 6 और मतलब 6 से कहा जा रहा है, तो 6 का डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं कि जो 2 3 से डिविजिबल होगा वही 6 से डिविजिबल होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि जिसमें यहाँ पे इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, और जिसमें इवन नंबर नहीं है तो फिर उसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो जिसमें इवन नंबर है उसी को हम लोग चेक करेंगे, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे सिर्फ मैं एस नो करके बता देता हूँ, ए नंबर में हो गया, यहाँ पे तो पता चल ही रहा है कि इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका वंस प्लेस जो है इवन नंबर है, तो यहाँ 4 4 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 और 7, तो यहाँ पे 10 और 16 हो गया, 16 और 9, तो 4 20 और 5, 25 और 2, 27 3 का टेबल में कटता है और ये 2 का टेबल से भी कट रहा है, मतलब ए नंबर में एस हो जाएगा, ये 6 से डिविजिबल है, तो एस कर देते हैं इसको। बी नंबर में इसको भी चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, 5 8 5, 13 और 2, 14 15 1 16 हो गया, तो 16 3 का टेबल में नहीं आता और 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 6 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नो कर देते हैं। सी, सी नंबर में यहाँ पे इसको चेक नहीं करना है, तो इसका नो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ भी ऑड नंबर है। डी में इसको भी नो लिख देना है, और ई में इवन नंबर है, इसीलिए इसको चेक कर लेना है 3 का डिविजिबल है या नहीं, तो 5 2 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 11 11 और 9 20 हो जा रहा है, तो 23 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं है। ई नंबर में नो हो गया। एफ,
एफ नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे एफ नंबर जो है यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब इसको चेक करना होगा। 5, 7, 12 हो गया और 8, 20 हो गया, 23 और 4, 27, 27 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये 6 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये एस, एस हो गया। क्वेश्चन नंबर जी में यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, 4, 8 हो गया, यहाँ 12, 13 हो गया, 14 और 7, 14, 7, 21 हो गया, 21 और 9, 30 हो गया, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा जी नंबर का एस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एस लिख लेंगे, 30 का जी नंबर का एस हो गया। इच नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये नो हो जाएगा। और आई नंबर में आई नंबर चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, 2, 3 और 2, 1, 3 हो गया, और 9, 12 हो गया, 12 और 3, 15, 15 और 6, 20, 21 हो गया, 21 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि आई में एस हो जाएगा, आई में एस हो गया। उसके बाद यहाँ पे 17 ये मतलब यहाँ पे चेक करना है इसको, 7, 1, 8 हो गया, 8, 8, 16 हो गया, 16 और 5, 21, 21 और 2, 22, 23, मतलब इसमें नहीं होगा क्योंकि ये 23 आ रहा है, 23 इसका टेबल में नहीं आता, 23 का टेबल में 23 नहीं आता, तो ये जे नंबर में नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पहले इसको, उसके बाद पता चलेगा। इसका डिविजिबिलिटी मांग रहा है 11 से, तो 11 से डिविजिबिलिटी जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको पेपर में ही करके दिखाना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, और ये ए नंबर हो गया, तो ए नंबर में जो हमको यहाँ पे हो सकता है उसको हम यहीं कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस पे टिक लगा देते हैं, ये ऑड प्लेस हो गया और ये ऑड प्लेस हो गया। यहाँ ऑड प्लेस पे ऐड करने से आ रहा है 9, और इवन प्लेस पे भी 9 आ रहा है, 9 माइनस 9 तो 0 हो जाएगा, और 0 आने पर क्या होता है वो 11 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एस लिख देने से काम चल जाएगा, एस हो गया। बी नंबर में इसको यहाँ पे एक टिक लगा देते हैं, इवन ऑड प्लेस पे ऑड ऑड वाला नंबर जो है जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 4 और 8, 12 हो गया, 1, 13 हो गया, 13 और यहाँ पे इसको 2, इवन प्लेस पे 2 और 0 है तो 2 ही होगा, तो 13 माइनस 2 तो 11 हो गया, 11 आने पर क्या होता है 11 से ये डिविजिबल होता है, मतलब एस, ये हो गया। उसके बाद सी नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको टिक लगा लेते हैं, ऑड प्लेस पे ऑड हो गया, तो यहाँ पे 5, 9, 14, 14, 3, 17, 17 और 7, तो यहाँ पे 3 डाल देते हैं, तो 20 हो गया और 4, 24 हो गया, तो इसको लिख लेते हैं 24। उसके बाद यहाँ पे 6 हो गया, 8 हो गया, 14 हो गया, 14 और 1, 15 हो गया, तो -15 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 14 में 5 चला गया, 14 में 5, तो ये हो गया 9 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये कट गया, मतलब 9 इसका डिफरेंस जो है 9 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 9 हो जाएगा, 9 हो गया। उसके बाद सी डी नंबर ले लेते हैं, इसको सबसे पहले हम टिक लगा लेते हैं ऑड प्लेस पे, 1, 2, ये ऑड हो गया और ये ऑड हो गया और ये भी ऑड हो गया, यहाँ पे ऑड प्लेस हो गया, 8, 3, 11 हो गया, 11 और 6, 16, 17 हो गया, 17 यहाँ पे यहाँ और फिर यहाँ, इसके बाद यहाँ लगेगा, 0 पे लग रहा है, ये लग रहा है तो ये नहीं है, तो यहाँ पे 8, 3, 11, 11 और 6, 17 हो गया, 17 और 0, 17 ही रहेगा, तो यहाँ पे 17 लिख लेते हैं, 0, 9 ऐड किया तो 9 हो गया, और यहाँ पे गए तो यहाँ पे 1, 10 हो गया, 10 और 7, 17 हो गया, तो यहाँ पे भी 17, तो ये 17 माइनस 17 इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये एस हो जाएगा, एस। डी ई नंबर का ई नंबर यहाँ पे ऑड प्लेस, फिर ऑड प्लेस और इसको छोड़ के इसको ऑड प्लेस, फिर यहाँ पे ऑड प्लेस, मतलब ऑड प्लेस पे एक 1 है और इवन प्लेस पे एक 1 है, तो दोनों में माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये एस है, तो ये इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर एफ में सबसे पहले हम लोग इसको ऑड प्लेसेस पे टिक लगा लेते हैं, ऑड हो गया, यहाँ पे ऑड हो गया और इसको छोड़ के यहाँ पे 0 है, इस पे ऑड हो गया, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 3, 1, 4 हो गया, 4 और ये हो गया 0, तो 4 ही रह गया, तो एफ नंबर यहाँ ले लेते हैं एफ, और ये सबसे पहले हम लोग को मिला है 4, ये 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 5 और 1, 5, 1, 6 हो गया, और ये 6 और 9, 15 हो गया, तो 15 में से 4 माइनस करते हैं, 15 में से 4 माइनस किए तो आ गया 11, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन नंबर एफ जो है ये 11 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग एस लिख लेते हैं, एस, ये इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ पे क्या बात पूछ रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय थ्री। इसमें दो नंबर भरने के लिए कह रहा है, सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फाइव ए नंबर, थ्री से डिविजिबल बनाने के लिए इसमें एक स्मॉलेस्ट नंबर डालने के लिए कह रहा है और एक ग्रेटेस्ट नंबर डालने के लिए कह रहा है, तो क्या इसमें आ सकता है। सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए चेक करते हैं इसको, तो यहाँ हमारे पास है कितना डेस है 6724, तो इसको ऐड करने से पता चलेगा 6 + 7 + 2 + 4, तो यहाँ पे 13 हो गया, 14 15 15 और 4 19 हो रहा है, तो इसमें क्या और डाल देंगे कि 3 से कटेगा तो 19 20 21, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे 2 डाल देते हैं तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब जो है इसमें और 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 और बढ़ेगा 2 डालने के बाद, तो वो जो है 3 से डिविजिबल रहेगा, तो 3 बढ़ेगा तो 5 हो गया, और 3 बढ़ेगा तो 5 और 3 8 हो गया, 8 से ज़्यादा जाएंगे तो 2 डिजिट में चला जाएगा, तो 2 डिजिट में डालना नहीं है, 1 डिजिट में ही डालना है, तो 8। इसका मतलब है कि यहाँ पे 8 डालने से ग्रेटेस्ट नंबर 8 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर 8 हो जाएगा, तो ये दोनों ही नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद बी नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 7 6 5 - 2। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेते पहले, 4 + 7 + 6 + 5 + 2, तो यहाँ पे 4 7 11 हो गया, और 6 17 हो गया, 17 और 5 22 22 और 2 हो गया 24, तो 24 ऑलरेडी 3 से डिविजिबल होता है, तो इसमें सबसे लीस्ट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 0 डालना है, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसमें 3 और डालते हैं, उसके बाद तो 3 हो गया, उसके बाद फिर 3 6 हो गया, फिर 3 तो 9 हो गया, 2 डिजिट तक जाना नहीं है, तो ग्रेटेस्ट नंबर 9 हो जाएगा, तो ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, यहाँ पे भी उसी तरह का दिया हुआ है, राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है इसमें कौन सा नंबर डालें कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो 11 का जो रूल होता है उस पर हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें ए नंबर में दिया हुआ है 9 2 - दिया हुआ है, और 3 8 9। ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस पे चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसको छोड़ के यहाँ पे है, ये ऑड प्लेस हो गया, इसको मैं डिटेल में बना के दिखा देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सम इक्वल टू सम ऑफ ऑड प्लेसेस, तो यहाँ पे है 2 3 9, 2 + 3 + 9, तो ये हो गया 3 9 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, यहाँ पे 14 ले लेते हैं। सम ऑफ इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस जो बच गया है 9 और 8, और इसमें एक चाहिए इसी में, तो 9 + 8 अभी हमारे पास है, तो ये 17 हो गया, तो डिफरेंस इसके डिफरेंस इन दोनों में कितना हो जाएगा, 17 - 14, तो डिफरेंस हो गया 3। तो यहाँ पे कुछ जो है हमें ऐड करना है, तो डिफरेंस जब हम लोग करेंगे तो 3 आ रहा है, यहाँ पे हमको और चाहिए, तो कितना चाहिए इसमें, यहाँ पे 11 चाहिए और 3 आ रहा है, तो मतलब इसमें और कितना चाहिए, तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा इक्वल टू, इसमें और चाहिए कितना, तो 11 से इसको माइनस कर देते हैं पता चल जाएगा, इसमें से 11 से माइनस 3 हो जाएगा, तो इसमें और कितना नंबर चाहिए, 8 और चाहिए, तो 8 अगर यहाँ पे रहेगा तो ये जो है इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो यहाँ पे इसको माइनस करने से 11 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 8 चाहिए, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे दिया हुआ है 8 डेस दिया हुआ है 9 4 8 4, तो सबसे पहले ओड प्लेस पे टिक लगा लेते हैं, ओड ये है ओड, और फिर यहाँ पे ओड है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो इवन प्लेस मतलब ओड प्लेस पे इस बार नंबर चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ ओड प्लेसेस, तो ओड में 4 4 है, 4 + 4 = 8 हो गया, और यहाँ पे सम ऑफ इवन प्लेसेस इक्वल टू इवन प्लेस पे टिक लगा हुआ नहीं है, 8 हो गया, 9 हो गया, 8 + 9 + 8, तो 8 3 = 24 हो गया, 25 हो गया, ये 25 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस इक्वल टू 25 - 8,
तो यहाँ ये हो गया 17 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 11 चाहिए, तो वैल्यू किसमें बढ़ेगा, इसमें ओड प्लेस पे वैल्यू बढ़ेगा। तो इसमें वैल्यू हम लोगों को बढ़ाना है, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ाने से ये ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो कितना कम करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 17 रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, 17 माइनस 11 कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर हमें यहाँ पे बढ़ाना है। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, ये 6 हो गया। तो मतलब अगर 6 यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे 6 रहेगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो यहाँ 14 हो जाएगा। अगर 25 में 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11, तो इस तरह से 11 आ जाएगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे 6 भर जाएगा, ये 6 आ गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को फायदा हो सके। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह का और भी वीडियो आते रहता है। तो इसके आगे का एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।